हेलो स्टूडेंट्स गुड आफ्टरनून बच्चा लोग आई माई सेल्फ लेक्चर में हमने बहुत ही धमाकेदार शुरुआत कर दिया चैप्टर का चैप्टर नंबर डेरिवेटिव ऑफ टेनोज आई नो चैप्टर बहुत बढ़िया बहुत मस्के की तरह आप लोगों को समझा मैंने आप लोग सबके कमेंट्स भी पढ़ लिए और मजा आ गया देख करके वैसा लगा कि मतलब बच्चे लोग तो ऐसा

जो है वो कुछ नई है कुछ यूनिक है कुछ निराली है कुछ अंदाजा नया है अपना क्यों क्योंकि बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन और अगर अपने पास टाइम बच गया तो फिर नॉर्मन क्लेचर क्लासिफिकेशन तो करना ही है क्लासिफिकेशन के साथ अगर मेरे पास टाइम बच गया तो हम नॉर्मन क्लेचर जरूर कर लेंगे ठीक है तो लेटस स्टार्ट विथ माई सेशन वेलकम वंस अगेन टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स मुस्तफा सर स्टार्टिंग विद द सेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन derivative. अच्छा मेरा बच्चा लोग अब मेरा जो कल का सेशन था ना उस कल के सेशन में मैंने आप लोगों को क्या पता है मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इंट्रोडक्शन के बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि मेरा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बनता कैसे तो मैं एक बार क्विक रिवाइज करवा कि वो दूसरेन इज रिप्लेस्ड बाय सेम नंबर ऑफ एलोजन आइटम मतलब अगर मेरे पास एक अल्केन है तो उस अलकेन में से मैं एक या एक से ज्यादा फिर रिपीट करूंगा गाइज एक भी चलेगा एक से ज्यादा भी चलेगा क्या होना चाहिए रिप्लेसमेंट होना चाहिए किसका हाइड्रोजन का, का? किसके साथ हेलोजन के साथ तो ऐसे कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर लेते हैं किसी भी हेलोजन से हम उसको हेलोजन डेरिवेटिव बोलते हैं राइट ना लोग? चलो, चलो एग्जांपल वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल आप जानते ही हो लेकिन चलो मैं आपको फिर से कल वाला एग्जाम्पल दिखा देता हूं ये तुम्हारा था मीथेन हमने इसमें क्या किया हमने बोला सर हेलोजन रिप्लेस करना है तो मैंने इसकी जगह पे एक्स डाल दिया तो अपना कंपाउंड बन गया कुछ इस तरह से बराबर मत चलो ऐसा कुछ राइट तो यहां पर एक हाइड्रोजन आइटम रिप्लेस्ड बाय हेलोजन आइटम ये अपनी कहानी थी लेकिन बच्चा क्या मैं एक से ज्यादा हाइड्रोजन निकाल नहीं सकता जरूरी थोड़ी है सर एक ही हाइड्रोजन निकलेगा एक से ज्यादा हाइड्रोजन भी निकल सकते ना बिल्कुल यही सोच तो हमारी है यही तो हमको सोचना है यही तो हमको सीखना है यही तो हमको पढ़ना है और इसी बेसिस पे मेरा क्लासिफिकेशन लग जाता कि सर अगर आपने एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या मैं दो हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता क्या मैं तीन हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता क्या मैं चारों हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता बिल्कुल निकाल सकता मेरा बच्चा क्यों नहीं निकाल सकता तो इसी के आधार पर इसी के बेसिस पर इसी के ऊपर हमारा क्लासिफिकेशन डिजाइन होता है सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय हेलोजन इट इज क्लासिफाइड एज दो मेन हिस्सों में क्लासिफिकेशन होगा पहला मोनोहेलोजन डेरिवेटिव दूसरा पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव लोजेंडेवेटिव मोनो का मतलब एक पॉलिका मतलब एक से ज्यादा मोनो का मतलब एक पॉलीका मतलब एक से ज्यादा मोनो का मतलब एक पॉलीका मतलब एक से ज्यादा मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें मैं सिर्फ एक हाइड्रोजन एक हेलोजन से रिप्लेस कर रहा हूं ओनली वन वन सिर्फ एक एक से ज्यादा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा एक से ज्यादा नहीं चलेगा तो जिस कंपाउंड में तुम्हारा हेलोजन एक ही बार रिप्लेस होगा हम उसको बोल देंगे मोनो और अगर तुम्हारा कंपाउंड एक से ज्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है तो फिर हम उसको क्या बोल देंगे तो वॉट इज मोनो हैलोजन डेरीवेटिव लिख दू यहा मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्किन आई सपोज मेरे बच्चे मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे होंगे तो राइट इट डाउन अलोंग विथ मी अ कंपाउंड Formed by replacing only one hydrogen atom with halogen is called as monohalogen. डेरीवेटिव ऑफ अलकेन तो यहाँ पर जो अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है ओनली वन सिर्फ 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 एक एक से ज्यादा नहीं चलेगा एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एल एक एलोजन दिख रहा है इसमें आपको सी टू एच फाइव बी आर इसमें भी एक हेलोजन दिख रहा है आपको तो ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन है की तादाद कितनी है सिर्फ एक उसको क्या बोलेंगे मोनोहेलोजन डेरिवेटिव इजी डेफिनेशन चल इसी के साथ मैं लेता हूं मेरा दूसरा डेफिनेशन ठीक है चल अब आते हैं हम लोग पॉली हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अलके मोनो मतलब एक पॉली मतलब एक से ज्यादा मोनो मतलब एक पॉली मतलब एक से ज्यादा अकंपाउंड फ़ॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग मोर देन वन हाइड्रोजन एटम विथ हेलोजन अब इसमें क्या बोला वन इसमें क्या बोला मोर देन वन तो यहां पर मेरा फोकस ऑफ इंटरेस्ट कहाँ है बेटा मोर देन वन देन द कंपाउंड इज कॉल्ड एज पॉली हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ चलो अब हाँ पे है है ना कुछ सोचने वाली बात है। क्या सर मोनो में तो एक ही है लेकिन पॉली में तो दो हो सकते हैं तीन हो सकते हैं चार हो सकते हैं बहुत सारे रूप हो सकते हैं उसके कभी दो हो सकता है कभी तीन हो सकता है कभी चार हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो इसमें एक सब क्लासिफिकेशन है डाई हेलोजन ट्राई हेलोजन टेट्रा हेलोजन तो तीन क्लासिफिकेशन और डाई हेलोजन ट्राई हेलोजन टेट्रा हेलोजन डाई का मतलब टू हेलोजन ट्राई का मतलब थ्री हेलोजन टेट्रा का मतलब फोर हेलोजन मतलब मेरे पास एक वाला रूप भी आया दो एग्जाम्पल दो हेलोजन उसमें होने चाहिए ट्राई वाले का एग्जाम्पल मतलब तीन हेलोजन उसमें होने चाहिए टेट्रा वाला का एग्जाम्पल मतलब चार हेलोजन उसमें होने चाहिए तो ये बन गया मेरा क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन डेटिव but... अब एक खुश खबरी आप लोगों के लिए अपने syllabus में न, सिर्फ, 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 सिर्फ मोनोलोजन मतलब अपने को डाइट राइट्रापोली मतलब ही नहीं खाली क्लासिफिकेशन पता है क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए क्या कहानी है शुरू में हमारे सिलेबस इस पे इससे आगे सिर्फ 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 हमारे को मोनो हेलोजन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना तो अब हम पढ़ेंगे मोनो हेलोजन के क्लासिफिकेशन सो नाउ लेट अस मूव ऑन विथ मोनो हेलोजन डेरीवेटिव ऑफ अल्केन्स। ठीक है तो अपना अब चैप्टर का शुरुआत होगा मोनो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ है, ठीक बच्चा लोग चलिए मोनोहेलोजन डेरिवेटिव इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्काइल हलाइड इस कंपाउंड को एक और नाम है अल्काइल हलाइड अब ये नाम कहां से आया क्यों आया कैसे आया ये सब कहानी बाद में बताऊंगा लेकिन ये नाम है और ये नाम है नहीं भी हलाइड शुगर चलो अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाय r-x अब ये r क्या है x क्या है ये समझना अपने लिए बहुत जरूरी है मैंने क्या बोला था ये चैप्टर में बहुत बेसिक्स में पढ़ाने वाला बच्चों तो हमारे लिए ये r क्या होता है x क्या होता है ये समझना बहुत 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 मायने रखने वाला तो इसके ऊपर ध्यान देना सीखना समझना अच्छे से यहां पे जो r है ना बेटा r इसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल और जो एक्स है ना उसको हम बोलते हैं हेलोजन अब हेलोजन तो आपको मालूम है कल ही मैंने बता दिया हेलोजन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वो सब अल्काइल क्या होता वैसे बहुत से बच्चे इसका मतलब जानते होंगे बट देर आर स्टूडेंट नो और इज अल्काइल राइट नाउ अल्काइल क्या होता है हमको जान पहचान नहीं है टेंशन नहीं लेने का लिखता हूं alkyl are the group containing one hydrogen atom less than the corresponding alkene किसी भी अल्केन में से जब एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाता है तो हम उस कंपाउंड को अल्काइल बोलते हैं आई रिपीट किसी भी हाइड्रोजन सॉरी किसी भी अल्केन में से एक हाइड्रोजन एटम अगर निकाल दिया जाता है तो हम उस कंपाउंड को अल्काइल बोलते हैं अभी समझो मेरे पास है CH4 मीथेन फोर अगर मैं इस CH4 में से ये निकाल दूं तो मेरे पास क्या बच गया सी एच थ्री जैसे सी एच फोर को मीथेन बोलते हैं अल्केन वाला रूप तो इसको मिथाइल बोलेंगे अल्काइल वाला रूप सिमिलरली अगर समझो मेरे पास सी टू एच सिक्स है जिसको हम इथेन बोलते हैं तो एक हाइड्रोजन कम करूंगा तो सी टू एच फाइव बन जाएगा जिसको हम इथाइल बोलते हैं

म्हणजे अल्काइल एक्स म्हणजे हलाईड, तरी नाव काय झालं आपलं अल्काइल हलाईड, असं कसं काय समजलं का हो नक्की चला नेक्स्ट जनरल फॉर्मुला फॉर अल्काइल हलाईड, ध्यान by... देना चलो आप लोगों ने आपकी दसवीं में पढ़ा है जनरल मॉलिकुलर फॉर्मूला फॉर अल्किन एस सी एन एच टू एन प्लस टू ध्यान होगा शायद आप लोगों को अल्केन जो होता है ना अल्किन चलो अभी आपको सिखाता हूं ध्यान देने का अच्छे से अलकेन का फॉर्मूला होता है सी एन एच टू एन प्लस टू सी एन एच टू एन प्लस टू अल्केन का फॉर्मूला क्या बोला मैंने सी एन एच टू एन प्लस टू मेरा अल्केन है अब मुझे अलकेन नहीं अल्काइल चाहिए क्योंकि मुझे आर चाहिए ना तो अल्काइल का फॉर्मूला मैंने क्या लिखाया वन हाइड्रोजन आइटम लेस मतलब हाइड्रोजन एक कम करना पड़ेगा तो अल्काइल के लिए मैं क्या लिखूंगा सी एन एच टू एन टू की जगह बट x, तो x तो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारे आर एक्स का जनरल फॉर्मूला बनता है सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर इन योर एग्जाम एम सी बेस क्वेश्चन में आता है जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल हलाइडिया हेलो अल्केन या फिर मोनो हेलोजन डेरिवेटिव इज गिवन बाय सी एन एच टू एन प्लस वन एक्स इतना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाए समझना जरूरी क्लियर गाइस आई होप एवरीथिंग इज गोइंग फाइन चलिए अब अब हमने ना हेलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन पढ़े अब हम मोनो हेलोजन डेरिवेटिव के क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे अस गिव द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन डेरिवेटिव क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहेलोजन डेरिवेटिव इसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हराइट प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हालाइट एक होता है प्राइमरी एक होता है सेकेंडरी एक होता है टर्शरी ध्यान से गौर से समझ के सीख के सुनने का प्राइमरी क्या है सेकेंडरी क्या है टर्शरी क्या अ कंपाउंड इन विच कार्बन अटैच्ड टू हेलोजन टर्न अटैच टू वन मोर कार्बन एटम क्या लिखा मैंने मैंने लिखा कि जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा है उस कार्बन आगे जाके एक और कार्बन से जुड़े जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है वो आगे जा के अगर एक और कार्बन से जुड़ता है तो अब हम उसको बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हलाइट एग्जाम्पल सी एच थ्री सी एच टू बी आर ये तुम्हारा हेलोजन मतलब ये कार्बन तुम्हारा हेलोजन वाला कार्बन ये आगे जाके सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है ना सो अ कार्बन विच इज अटैच टू एलोजन आइटम इंटर गेट्स अटैच टू ओनली वन कार्बन आइटम एज मोनो प्राइमरी हेलाइड प्राइमरी अल्काइल हेलाइट भी बोलोगे चलेगा पहला क्लासिफिकेशन दूसरा सेकेंडरी अ कंपाउंड इन विच कार्बन अटैच टू हेलोजन इन टर्न गेट्स अटैच टू टू मोर कार्बन आटम क्या बोला मैंने जिस कार्बन से तुम्हारा हेलोजन अटैच है वो आगे जाके दो कार्बन से जुड़ेगा जिससे हेलोजन जुड़ा है वो नहीं देखना है उसके साथ कितने जुड़े हैं वो देखना है हैलोजन वाला कार्बन तुम्हारा फोकस ऑफ इंटरेस्ट उसके बाजू में कितना दो सेकेंडरी बन गया एग्जाम्पल कार्बन अटैच टू अंक्शनल ग्रुप कितनी जगह एक यहां से एक यहां से एक यहां से एक यहां से मतलब कितना अटैचमेंट दो अटैचमेंट अटैचमेंट नहीं कार्बन ही लगेगा उसके साथ कौन जुड़ा है वो जरूरी है कार्बन ही होना चाहिए आड़ा तेड़ा नहीं चलने वाला कुछ तो कार्बन ही जुड़ेगा मतलब कितनी जगह से दो जगह से इसलिए नाम क्या दिया सेकेंडरी तीसरा अब हमारे बच्चे समझदार तो समझ ही गए होंगे तीसरे में सर क्या लिखने वाले हैं बिल्कुल अ कंपाउंड इन विच अ कार्बन अटैच टू हेलोजन गेट्स अटैच टू थ्री मोर कार्बन एटम्स जिस कार्बन से मेरा हेलोजन अटैच्ड है वो आगे जाके अगर तीन और कार्बन से जुड़ता है ये मेरा हेलोजन वाला कार्बन ये आगे जाके तीन से जुड़ा ऊपर एक लेफ्ट पे एक नीचे एक मतलब ये बन गया मेरा टर्शरी कार्बन तो बड़ा मैंने तीन टाइप पढ़ा दी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी तो इसको प्राइमरी वाले को हम वन डिग्री बोलते हैं सेकेंडरी वाले को हम टू डिग्री बोलते हैं टर्शरी वाले को हम थ्री डिग्री बोलते हैं तो ये रहे मेरे तीन क्लासिफिकेशन। प्राइमरी अल्काइल हलाइट सेकेंडरी अल्काइल हलाइट टर्शरी अल्काइट तीनों एक नंबर बेस जितना मजबूत रिएक्शन आराम से क्योंकि ना जब तू रिएक्शन करता है तो उसमें बहुत सी जगह देते समझ ही प्राइमरी कौन सेकेंडरी कौन टर्शरी कौन नहीं मालूम वही पे तो कमजोर बेटा तेरा अगर एक बिल्डिंग बनाना है तो तुझे सबसे मजबूत क्या रखना है उसका पिलर हम अभी पिलर जमाओ उसके बाद बिल्डिंग तो खड़ी हो जाएगी डेरिवेटिव अल्कोहल सब खड़ा हो जाएगा जाएगा ऑर्गेनिक एकदम मस्का चला जाएगा। बेस तो पकड़ ले एक एक बार बार अपनी बेसिक्स तो कर ले टीचर बराबर पक्का चल अब इसके बाद कुछ और क्लासिफिकेशंस मोर क्लासिफिकेशंस अब एक करके समझाऊंगा विनाइल लाइट्स अब सारे डबल बॉन्ड वाले आने वाले ठीक है विनाइल हलाइट्स ध्यान देंगे ये कुछ नया है अपने लिए बहुत नया है लेकिन समझा दूंगा डरो मत कार्बन अटैच्ड टू अलोजन ज अ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम क्या बोला मैंने मैंने ये बोला सर कि जिस कार्बन से तुम्हारा हेलोजन अटैच्ड है अगर वो ही कार्बन को डबल बॉन्ड भी लगा हुआ है जिस कार्बन से तुम्हारा हेलोजन अटैच्ड है

सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच बी आर और य्बन आटम अटैच टू एन हेलोजन इट्स सेल्फ कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड जिस कार्बन से हेलोजन है उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड लिख दो क्या जिस कार्बन पे हेलोजन उसी कार्बन पे डबल बॉन्ड हो गई कहानी खत्म इस कंपाउंड को हम बोलेंगे विनाइल हेलाइट ठीक है अगर परफेक्टली नाम चाहिए इसका तो विनाइल ब्रोमाइड इट सिंपल विनाइल हलाइट विनाइल ब्रोमाइड, दूसरा दूसरा अलाइल हलाइट पहला विनाइल हो गया अब अलाइल पे आते कार्बन एटम

कि जिस कार्बन से मेरा हेलोजन आटम अटैच है वो डबल बॉन्ड वाला कार्बन नहीं है वो डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन लास्ट वाले में क्या बोला विनाइल में जहां पे हेलोजन है उसी पे डबल बॉन्ड अब क्या बोल रहे हैं जहां पे हेलोजन है उससे बाजू वाले के पास डबल बॉन्ड है तब उसको बोला जाएगा अलाइल और अगर उसी के पास डबल बॉन्ड होगा तो विनाइल एग्जाम्पल ले लेते, लेट ले लेतेम्पल सीएच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू बी आर या सी ब्रोमिन कुछ भी चले जिस कार्बन पे हेलोजन उसके बाजू वाले पे डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे हेलोजन बाजू वाले डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे है बाजू वाले पे डबल बॉन्ड जिस कार्बन पे हेलोजन बाजू वाले पे डबल बॉन्ड लिख दू कहानी जिस कार्बन पे हेलोजन उसके आजू वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड हिंदी में अपने को समझने के लिए लिखवाया बेटा ये एग्जाम में लिख क्या आओगे तो टीचर बड़ा बड़ा अंडा डालेगा बड़ा बड़ा ठीक है इसलिए इंग्लिश में पहले डेफिनेशन दिया है ये तो क्या है कुछ हमारे वर्नाकुलर मीडियम के बच्चे लास्ट टाइम में रीड कर रहा था आपका कमेंट सेक्शन तो सर ने बच्चों ने बहुत बार बोला सर प्लीज़ हम वर्नाकुलर मीडियम से तो थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे तो तो इस वजह से मैं आपको हिंदी के अंदर भी बता रहा हूँ बट विद द टाइम जैसे जैसे हमारा वक्त बीतेगा जैसे टाइम में आपको कंफर्टेबिलिटी आएगा जैसे आपको लगेगा परफेक्शन वर्ड्स को समझने में आ रहा है तो हम फिर उसको प्रॉपरली इंग्लिश में ही डिफाइन करेंगे राइट right ना आप अपना बेस सेट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत समझ समझाने के लिए क्योंकि कई इस बार ऐसा होता है ना कि जब हम हिंदी में पढ़ते 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 हमको उसी की आदत भी पड़ जाती है और फिर वहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि एग्जाम में हमको प्रॉपर वर्ड्स प्रोनाउंसिएशन मिलते ही नहीं सो जस्ट बिकॉज वी हैव सर्टन स्टूडेंट्स फ्रॉम फ्राम दर्नाक्युलर मीडियम फ्रॉम द मराठी मीडियम फ्रॉम द सेमी इंग्लिश मीडियम फ्रॉम द हिंदी मीडियम हर जगह के हर अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर आप पढ़ रहे हो तो वी हैव अ वेराइटी ऑफ स्टूडेंट्स लुकिंग एट अस तो हमको हर किसी का ख्याल रखना है हमारे पास हर क्लास हर ग्रेड्स के बच्चे तो हर किसी को समझे ये सबसे बड़ा हमारा फोकस ऑफ इंटरेस्ट रहता है कि हमारे यहाँ देखने हुए हर बच्चों को समझ में इस वजह से यहाँ पर एकदम डिटेल में मैंने समझा दिया ठीक है चलो श्योर पक्का चलिए नेक्स्ट तीसरा जिसको बोलते हैं ये जो वर्ड है ना बेटा अराइल ये वर्ड निकल के आता है एक चीज से जिसका नाम है एरोमेटिक कंपाउंड और कंपाउंड है ना ये निकल के आता है फ्रॉम बेंजीन और बेंजीन कुछ ऐसी पढ़ा ही रहेगा वैसे तो आप लोगों ने तो वर्ड अराइल अराइल साल भर में बहुत सी बार आएगा अराइल हलाइड इल अल्कोहल्स बहुत सारी बहुत सारी जगह पर आप अराइल 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 अराल अराइल पड़ो तो फिलहाल हमारा डेफिनेशन क्या है अ कंपाउंड इन विच हेलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू इज कॉल्ड अराइल हलाइट ऐसे कंपाउंड जिसमें हमारा हेलोजन एटम डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट हो ये बेंजीन हेलोजन इस पे लग गया बेंजीन हेलोजन लग गया तो जब तुम्हारे एक बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली एक हेलोजन जुड़ जाता है हम उस कंपाउंड को बोल देते हैं अराइल हलाइट A a a compound compound in which halogen atom is is directly attached to a benzene ring, then the compound is called as a aryl halide. Example, कंपाउंड डायरेक्टलीउंडल लग गया, -halide बन गया। अच्छा बेनजीन में रिंग भी बना सकते हो ऐसा कहीं पे भी लगा सकते हो जरूरी नहीं लगा, ना। या लगा दिया ये भी बन गया ये ले लिया। पे लगा दिया ये भी बन गया सब में तुम्हारी बेनजीन रिंग से डायरेक्टली डायरेक्ट उसी कार्बन से जो बेनजीन रिंग का कार्बन है उसी के साथ अगर तुम्हारा डायरेक्टली हेलोजन अटैच है तब हम उस कंपाउंड को बोल देते हैं है, तो लिख दू यहां पे बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ लोजन दैट इज कॉल्ड एस अराइल हलाइट नेक्स्ट डी नेक्स्ट कंपॉन् इंपॉर्टेंट विनाइल हो गया अलाइल हो गया अराइल हो गया अब आते हैं बेनजाइल पे हैव बेंलाइड ना अब सुनने में ना बेनजाइल भी अपने को ऐसे लगता है सर बेंजीन रिंग से जुड़ा है, लेकिन ये थोड़ा अलग है थोड़ा अलग है ऊपर वाला डायरेक्टली हो गया ना डायरेक्टली अटैच वाला तो हमारा अराइल अब ये थोड़ा अलग है अलग क्या है अ कंपाउंड इन विच हैलोजन इज अटैच टू अ कार्बन विच इज कनेक्टेड टू अ बेजीनियरिंग फिर एक बार डेफिनेशन पढ़ूंगा अ कंपाउंड इन विच हेलोजन इज अटैच टू अ कार्बन विच इज कनेक्टेड टू अंजीनियरिंग कंपाउंड इन विच हेलोजन मतलब क्या बोलाउंड कार्बन से जुड़ा है आई रिपीटन बेनजीन पे नहीं है हेलोजन तो कार्बन पे वो कार्बन बेनजीन पे मतलब ये समझिए है, कार्बन हैलोजन है इधर बेनजीन है बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन नहीं जुड़ा है वो कार्बन है कार्बन पे हेलोजन हेलोजन पे बेंजीन कार्बन पे बेंजीन एग्जाम्पल देते है, समझने में आसानी अस टेक एन एग्जाम्पल ये देखिए ये कार्बन है ये कार्बन से बेंजीन डायरेक्टली जुड़ा है और इसी कार्बन से हेलोजन है जिस कार्बन से बेंजीन उस कार्बन से हेलोजन जिस कार्बन पे, पे, पे बेंजीन उस कार्बन पे हेलोजन जिस कार्बन पे बेंजीन उस कार्बन पे हेलोजन जिस कार्बन पे बेंजीन उस कार्बन पे हेलोजन जिस कार्बन पे बेंजीन उस कार्बन पे हेलोजन तो जहां पे बेंजीन वहां पे हेलोजन जहां पे बेंजीन वहां पे हेलोजन जहां पे बेंजीन वहां पे हेलोजन तो लिख देता हूं जिस कार्बन पे बेंजीन उसी कार्बन पे हेलोजन मिसकंसेप्शन नहीं लानेगा बेटा इधर क्या था डायरेक्टली बेंजीन तुम्हारे हेलोजन से जुड़ गया इधर में डायरेक्ट बेंजीन हेलोजन से नहीं जुड़ा है।, क्या हुआ है कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन पे हेलोजन तो एक जमीन आसमान का अंतर है इसमें बदल जाती है चीजें बहुत बदल जाती है तो हमने चार चीजें पढ़ी विनाइल अलाइल अराइल विनाइल अलाइल अराइल ठीक अब इसके साथ तुमको एक नोट बताता हूं मैं नोट नोट मतलब पैसे वाला नोट तो नहीं लेकिन इससे पैसा बाद में जरूर कमाओगे नोट कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर है तो हम उस कंपाउंड को sp3 थ्री हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं कार्बन कार्बन डबल अगर है तो हम उसको sp2 टू हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसको sp हाइब्रिडाइज्ड बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का होता है ये केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में वैसे आपने पढ़ा रहेगा नहीं पढ़ा तो एकदम सिंपल डिटेल में बता दूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब तुम्हारा sp2 सॉरी sp3 थ्री हाइब्रिडाइजेशन डबल बॉन्ड होगा तो sp2 टू सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा तो sp एक फोन आ रहा है एक दो मिनट वेट करिए दो मिनट में आओ फोन उठा के ठीक है बात सही चलिए आवाज आ रही है मेरी तो बेटा अब हमने जो क्लासिफिकेशन पढ़े ना उसको रिविजिट करते हैं पहला विनाइल विनाइल मैंने क्या बोला जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड उसी कार्बन पे हेलोजन तो अगर मुझे क्वेश्चन में पूछा कि ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है तो मैं बोलूंगा sp2 टू क्योंकि इस पे डबल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड वाले को मैंने क्या बोला sp2 टू फिर मेरा दूसरा क्वेश्चन आया सर अगर मैं अलाइल ले रहा हूं अलाइल हलाइड तो मैं क्या लिखता हूं डबल बॉन्ड वाले के बाजू वाले पे हेलोजन होना चाहिए

डब्बा बना दे अच्छा इस कार्बन पे हेलोजन है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया एस टू बन गया और लास्ट वाले में बेंजीन रिंग बेंजीन के बाजू वाले पे हेलोजन तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका सारे सिंगल है डबल नहीं है ये इस कार्बन पे डबल है ये तो चारों सिंगल लेके बैठा था इसको और डिटेल में चाहिए तो ऐसा लिख दे सी एच एच बी तो यहाँ पे तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया SP3. तो अगर पूछा तो अपने को पता होना चाहिए तो इस, इस, इस तरह से हमारे कंपाउंड जाने जाते हैं तो मैंने आज क्या पढ़ाया आप लोग मैंने आज शुरू में पढ़ाया आपको पहले तो दो हिस्सों में बढ़ गया मोनो हेलोजन और पॉली हेलोजन देख लेते हैं फटाफट ये रहा मैंने क्या बोला कि मोनो हाइड्रोजन डेरिवेटिव एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आप एक हाइड्रोजन निकाल के उससे है, एक हाइड्रोजन निकाल के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेते हैं फिर मैंने पढ़ाया कि सर एक के ज्यादा दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है चार भी हो सकता है बेशक बिल्कुल हो सकता है तो हमने पढ़ लिया दूसरा क्लासिफिकेशन जिसका नाम हो गया पॉलीहेलोजन डेरिवेटिव पॉली डेरिवेटिव में मैंने आपको क्या पढ़ा है मैंने आपको पॉली डेरिवेटिव में पढ़ाया कि एक से ज्यादा अगर आप हाइड्रोजन को निकाल के हेलोजन रिप्लेस करोगे तो पॉली बन जाएगा अब पॉली में क्लासिफिकेशन बताया मैंने आपको जैसे कि डाई मतलब दो ट्राई मतलब तीन टेट्रा मतलब चार फिर इसके बाद मैंने आपको एक खुशखबरी दे दी आप खुश हो गए बोलो हाँ सर बहुत खुशी हो रही है क्या खुशखबरी खबरी थी मैंने एक खुश खबरी ये थी कि हमको सिलेबस में सिर्फ मोनो हेलोजन है, डाइट्राइडाइट्रा से अपने को काम लेना देना नहीं है तो फिर हमने इसके बारे में इसकी पूरी हिस्ट्री पढ़ी मैंने बोला इसको हम अल्काइल हेल्ड के नाम से जानते हैं इसको हम लोग आर का रिप्रेजेंटेशन देते हैं इसका जनरल फार्मूला बनता है सी एन एस कैसे आया मैंने बताया फिर मैंने आपको बताया कि सर आर क्या होता है अल्काइल क्या होता है तो हमने पढ़ा कि अल्काइल वो होता है जिसमें किसी भी अल्कैन का एक हाइड्रोजन अगर निकाल के हेलोजेंडा सॉरी किसी भी अलकाइन में से एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो अल्कान फाइल बन जाएगा मिथेन मिथाइल बन जाएगा इथेन इथाइल बन जाएगा ये डेफिनेशन भी दे दिया आप लोग को लिख के फिर मैंने आपको तीन और क्लासिफिकेशन पढ़ा दिए मोनो हेलोजन जिसका नाम था प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मैंने बताया आपको कि प्राइमरी क्या होता है कि जिस पे जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो उससे आगे जाके अगर एक ही कार्बन जुड़ा होता है तो उसको प्राइमरी बोलते हैं से हेलोजन लगाओ उससे दो और कार्बन लगे हो तो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं जिसपे हेलोजन लगाओ उस कार्बन से तीन जुड़े हो तो उसको टर्शरी बोलते हैं तो ये मिला बन गया प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हर कंपाउंड फिर मैं चला गया मेरे नेक्स्ट वेज जिसका नाम था विनाइल अलाइल अराइल बेंजाइल मैंने आपको बताया कि जहां पर डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे हेलोजन है तो विनाइल है जहाँ पे डबल बॉन्ड है उसके बाजू वाले पे हेलोजन है तो वो अलाइल है जहाँ पे बेंजीन रहेंगे बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली अटैच तुम्हारा हेलोजन है तो तुम उसको अलाइल अराइल बोलोगे और जहाँ पे बेंजीन है उसके वा, वा, पास एक कार्बन के साथ अगर हेलोजन है तो तुम उसको बेंजाइल बोलोगे और उसके बाद में मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखा दी मैंने आपको बोला कि हाइब्रिडाइजेशन अगर आपको इतना डिटेल में नहीं पता है तो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को sp3 दे दो डबल बॉन्ड को sp2 दे दो ट्रिपल बॉन्ड को sp दे दो और मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बता दिए तो आई होप सब लोगों को आज के सेशन में मजा आ गया रहेगा धमाल नॉर्मल क्लेचर नेक्स्ट लेक्चर में जान लगा देंगे बेटा अभी तो जान लगने वाली है बुरी मजा आने वाला आज क्लासिफिकेशन पे नेक्स्ट लेक्चर और 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 उमदा तरीके से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे बराबर तो आज के सेशन के लिए एक छोटी सी आप लोगों के लिए शायरी मंजिले क्या है रास्ता क्या है हौसला हो तो फासला क्या यही चीज सीख लेना कि मंजिल और रास्ता ये सब तो हमारे हौसले डिसाइड करेंगे दिल्ली दूर नहीं है बस वक्त निकल ना जाए आज बताया था ना लास्ट टाइम योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क विल मेक यू अ गुड 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 वन फॉर योर एग्जाम्स सो तब तक के लिए आई एम साइनिंग फॉर टुडे सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास बाय बाय गाइस टेक केयर गुड